परेश रावल ने तोड़ी कार्तिक आर्यन की कास्टिंग पर चुप्पी। कार्तिक आर्यन नहीं है फिर हेरा फेरी का हिस्सा। सो पिछले साल नवंबर के महीने में परेश रावल ने खुद ये कंफर्म किया था कि कार्तिक आर्यन अब फिर हेरा फेरी में नजर आएंगे, मगर अब वो अपनी बात से पलट रहे हैं और ये कंफर्म हो गया है कि कार्तिक आर्यन वोंट बी द पार्ट ऑफ फिर हेरा फेरी 3 एनीमोर। तो अगर कार्तिक आर्यन नहीं है तो फिर कौन होंगे फिल्म में, चलिए जानते हैं। वेल, फिल्म हेरा फेरी की तो अपनी ही पहचान है, जहां अक्षय कुमार एज राजू और सुनील शेट्टी एज श्याम एंड परेश रावल एज बाबू राव ने सभी को हंसा हंसा कर तो नोटपोट कर दिया था और फैंस को अब वही एनर्जी और वही कॉमेडी की एक्सपेक्टेशन फिर हेरा फेरी में भी है। मगर फैंस इस बात से काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए थे जब उन्हें ये खबर पता चली थी कि हेरा फेरी के सीक्वल में राजू के रोल में अक्षय कुमार नहीं बल्कि कार्तिक आर्यन नजर आएंगे। और जाहिर सी बात है, राजू के रोल में अक्षय कुमार की जगह किसी और एक्टर को इमेजिन करना मतलब फिल्म का पूरा स्पाइस और मजा ही खराब होना। हालांकि ड्रीम गर्ल 2 एक्टर परेश रावल ने ये भी खुलासा किया था कि फिल्म में कार्तिक आर्यन का रोल एज राजू नहीं बल्कि उनका किरदार अलग दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि फिल्म में कार्तिक आर्यन की एनर्जी और वाइब राजू वाले कैरेक्टर से काफी ज्यादा अलग और यूनिक होगी, बट टेबल्स हैड टर्न्ड एंड कार्तिक आर्यन इज नो मोर द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। वेल, परेश रावल जिन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंट होकर कार्तिक आर्यन को एज राजू कन्फर्म किया था, उन्होंने अब अपने शब्द वापस ले लिए हैं और उन्होंने ये तक भी एक्सेप्ट करके कहा कि यस आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। उनके मुताबिक पहले फिल्म में अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन दोनों रोल्स में नजर आने वाले थे, मगर लास्ट मोमेंट पर कार्तिक आर्यन ने बैक आउट कर लिया था। और अब परेश रावल के मुताबिक ये बात कंफर्म हो चुकी है, जहां उन्होंने रिवील किया कि फिर हेरा फेरी में ओजी रोल यानी कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाएंगे और वही सेम एनर्जी के साथ सभी का दिल जीतेंगे। Well, so are you excited for फिर हेरा फेरी? आपके इस पर क्या व्यूज हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।